Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 5 lines and angles. और इससे पहले chapter number 1 में integers मैंने discuss किया है, chapter number 2 में fraction discuss किया है, chapter number 3 में decimal discuss किया है, chapter number 4 data handling. ये चारों के चारों chapters मैंने बहुत ही अच्छे से explain किए हैं, तो आप लोग इन previous videos को अच्छे से करना ताकि इन चैप्टर्स में से कभी लाइफ टाइम आपका कोई डाउट ना रहे. ओके, चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करते हैं. और इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में ना बच्चों को दिक्कत होती है, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ लाइंस क्या होते हैं. तो लाइंस का मतलब होता है कि जो एक स्टार्टिंग इनफाइनाइट पीरियड तक चलता जाएगा. जैसे ये बोर्ड है, इसकी बाउंड्री इतनी है, तो इस बाउंड्री को भी जो क्रॉस करते हुए आगे आगे कंटिन्यू चलता जाए तो वो कहलाएगा आपका लाइन, जिसका कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होता. ना यहाँ से रुकेगी ना यहाँ से रुकेगी, ये रुकेगी नहीं, चलती जाएगी यहाँ से, दोनों साइड से बढ़ती जाएगी. ठीक है, जैसे ये एक लाइन है तो ये यहाँ से भी एक्सटेंड करेगी, यहाँ से भी एक्सटेंड करेगी, दैट इज़ लाइन. उसके बाद रे की बात करते हैं. रे का मतलब होता है ये एक पार्ट से तो वो होती है, रुकी हुई होती है, ये तो उसका एंड पॉइंट है, लेकिन एक पार्ट से ये एक्सटेंड करती जाती है. तो इसीलिए लाइन में ना आपने देखा होगा इस तरीके के पॉइंट होते हैं, इट मीन्स ये एक्सटेंड करती जाएगी. और रे के अंदर एक ही होता है, ये यहाँ से तो रुकी हुई होती है और यहाँ से ये इनफाइनाइट बढ़ती चली जाएगी. और फिर होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब दो नो एंड पॉइंट्स होते हैं. मतलब अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो ये ना यहाँ से एक्सटेंड करेगी ना ये यहाँ से एक्सटेंड करेगी, इसकी एक डेफिनेट यहाँ पे नंबर दे रखा है. ये तो आपसे कभी कभी बोला जाता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है, लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. तो आप स्केल से यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर ये है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बना देते हो. तो होपफुली तीन चीज़ों के बारे में तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब थोड़े से एंगल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पैरेलल लाइंस बता देती हूँ आपको. पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं जो कि आपस में कभी भी मीट नहीं करती. यहाँ से बढ़ती जाएंगी, यहाँ से बढ़ती जाएंगी, लेकिन कहीं पे भी ये बढ़ती जाएं, लेकिन ये फ्यूचर में भी कहीं जाकर मीट नहीं करेंगी, वो कहलाती है आपकी पैरेलल लाइंस. अब हो सकता है ये इतनी हो और ये इतनी ज़्यादा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो. मतलब ये तो इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है, तो क्या ये पैरेलल नहीं है? यस, ये पैरेलल है. क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाऊंगी या इसको कम करूंगी, फ्यूचर में ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, दैट इज़ पैरेलल लाइंस. एक होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन. तो परपेंडिकुलर लाइन ये होती है जैसे कि ए बी है और सी डी, ए बी सी डी को 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस. तो परपेंडिकुलर लाइंस भी आपको समझ आ गया होगा. अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में. हॉरिजॉन्टल लाइंस में तो ये हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके की लाइन, और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है इस तरीके की लाइन. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल लिख लो और ये हॉरिजॉन्टल लिख लो. कर्व्ड लाइंस होती है जो घूमी हुई होती है, ठीक है, क्लोज्ड हो गई ये और ये ऐसे ही ओपन हो गई. तो इस तरीके की लाइंस भी होती हैं आपकी परपेंडिकुलर. के बाद ट्रांसवर्सल लाइन भी देख लो. ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जब दो लाइंस को अलग अलग लेवल्स पे एक लाइन कट कर रही है. दो लाइन है ये, इसको M दे दो, इसको M दे दो, इसको P, इसको Q, इसको A और इसको B. तो MN जो है, MN और PQ ये कट कर रही है, AB इसको कट कर रही है, ठीक है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा? ए बी इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ एम एन और पी क्यू. अब ये अलग अलग पॉइंट पे ही कट करनी चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ये परपेंडिकुलर भी कहलाएगी. ओके, तो ये कहलाती है आपकी एंगल. आप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर भी समझ लो. जब दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो वो कोलिनियर है, और अगर एक दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे नहीं है
अब ये मैच नहीं कर रही, दैट इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग भी लाइंस हम देख लेते हैं, जो लाइन दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्टिंग लाइन कहला रही, कट कर रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ उस पे एरिया पे, तो उसको कहलाएगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो अब एंगल्स की बात करते हैं कुछ, एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बेसिस पे हमने एंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल आर द एंगल्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 89 degrees। 0 से 89 degrees के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। अब मैंने आपसे पूछा 67 degrees, तो आप बोलोगे दैट इज एक्यूट एंगल। 90 degrees दैट इज नॉट एक्यूट एंगल, क्योंकि 89 से बड़ा है। तो 0 से 89 के बीच में जो आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, ओके। एक्यूट एंगल के बाद सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज से पहले राइट एंगल, सेकेंड इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब होता है द एंगल विच मेक्स 90 degrees बनाए, अगर इस तरीके का एंगल बनाए तो ये कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब ये एंगल क्या होता है? जहाँ पे दो आर्क मीट करती हैं, ये आर्क है, दो आर्क या दो रे, रे भी बोल सकते हो आप, रे अभी हमने सीखा था ना रे क्या होती है। तो जहाँ पे दो रे मीट करती हैं, दो आर्म्स मीट करते हैं, आर्म्स का मतलब जानते हो ना, दो पार्ट्स, दो साइड्स। तो ये जहाँ पे दो आर्म्स मीट करती हैं, आर्क मीट करती हैं, उसको आप बोलते हो एंगल। राइट एंगल 90 degrees का होता है। नेक्स्ट एंगल की बात करेंगे, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल जो कि 90 degrees से तो बड़ा होता है, मतलब 91 से लेकर के 179 degrees तक का जो एंगल होता है वो ऑप्ट्यूज एंगल है। इसको अच्छे से ना कॉपी पे लिखते जाओ, क्योंकि अभी मैंने मतलब बताती रहूँगी, पूछती रहूँगी कि 60 degrees का कौन सा एंगल है, ऑप्ट्यूज एंगल कितने डिग्री का है, ये सब रिविज़न कराऊँगी, तो आप ये लिखते जाओ। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज राइट एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कहाँ कितने डिग्री का होता है, दैट इज 180 degrees, ओके। 180 degrees का स्ट्रेट एंगल होता है, ओके। उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद कंप्लीट एंगल की भी बात करेंगे। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, दैट इज ऑफ 360 degrees। ये टोटल पूरा का पूरा ये हो गया 360 degrees, ओके। अब कभी कभी आपसे बोला जाता है कि आप रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट रिफ्लेक्स एंगल। तो सपोज क्वेश्चन इज लाइक इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 35 degrees, कैलकुलेट रिफ्लेक्स ए ओ बी, रिफ्लेक्स ए ओ बी एंगल फाइंड करना है। मतलब क्या होता है इसका? जैसे मान लो 35 तो ऐसा दिखता नहीं है, एक सेकेंड, ये 35 इज समथिंग लाइक दिस, मान लेना कि ये 35 है। अब रिफ्लेक्स ए ओ बी का मतलब ये 35 छोड़ के जितना बचा ये एंगल कैलकुलेट करो, ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको। तो फॉर्मूला इज लाइक रिफ्लेक्स, जब भी आपको एंगल निकालना हो तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 degrees में से जो भी एंगल दे रखा है ना, जो भी एंगल यहाँ दे रखा है वो माइनस कर दो। तो अगर आप 360 में से 35 माइनस करोगे तो ये हो गया 5532 और ये हो गया 225। आपका क्या आ जाएगा? 225 एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब एंगल मान लो सी ओ डी दे रखा है 90 degrees, कैलकुलेट रिफ्लेक्स सी ओ डी। तो रिफ्लेक्स सी ओ डी अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? नॉर्मली पहले आपने क्या किया, अब आपको 90 degrees बनाना है, रुको। तो 90 degrees लाइक दिस, 90 degrees बन गया ही। अब बाकी पार्ट्स के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, ये वाले पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करोगे, 360 में से 90 degrees माइनस कर दोगे तो ये वाला जो पोर्शन आएगा 270 degrees, ये आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स सी ओ डी। तो होपफुली आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पता चल गया होगा कि जो एंगल आपको दे रखा होता है उसके अलावा जो पोर्शन बचता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, ओके।
तो रिफ्लेक्स एंगल की बात कर ली, स्ट्रेट एंगल की बात कर ली, अब कुछ एंगल्स दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम, मान लो दो एंगल हैं, एंगल ए प्लस बी, दो ही एंगल, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। कभी कभी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि रुको एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, जैसे कि क्वेश्चन इज लाइक एन एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अनदर एंगल इफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको कंडीशन रख दी, दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। एंगल ए मान लो एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी कैसे निकालोगे? तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ओके, आज हम लोगों ने इस लेक्चर वीडियो में काफ़ी सारी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, बेसिक चीज़ें डिस्कस करी है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, इसी क्वेश्चंस को और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक स्टे ट्यून रहना, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि फ्रैक्शन का देती हूँ, 2/5 × 5/2 × 6/7 × 7/6 × 5/3 × 2/3/5 × -7, और सेकेंड इज 2/5 × 6/7 × 8/9 × 0। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट कि आप लोगों की थोड़ी बहुत रिवीजन होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू।